नमस्ते दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी के पांचवे एपिसोड। अभी से पिछले चार एपिसोडों में हमने चार विजडम पर्ल्स एक्सप्लोर किए। चलते हैं आज के विजडम पर्ल पे, जिसे ऑथर ने कहा है द गोल्ड वॉच। द गोल्ड वॉच एक्चुअली में हमारे समय और समय की महत्ता को बताया है। जैसे हम सबको जानते हैं, हमारा समय कभी भी लौट करके वापस नहीं आता, इसीलिए हम अपने समय को अच्छे से एलोकेट करना और उसके साथ अच्छे से जीते रहना यह जरूरी है। लेकिन नॉर्मली लोग कहते हैं हम बहुत बिजी हैं, या फिर प्रोडक्टिवली हम बहुत बिजी रहते हैं, ऐसा बोलते हैं। बट एक्चुअली में दोस्तों, मैं आपको बताऊं, इस संपूर्ण संसार में कोई बिजी नहीं रहता। क्या ये बात आपको आश्चर्य देती है? बट ये बात सही है। एक्चुअली में वो होता है प्रायोरिटीज का डिफरेंस। एक्चुअली में जब आप बिजी रहते हैं तो आप कोई ना कोई और कार्य कर रहे होते हैं, आपने अपनी प्रायोरिटीज डिफर की है। अगर आप कहते हैं इस काम करने का टाइम नहीं था, एक्चुअली में आप कुछ और काम कर रहे हैं। इस बात को एक हाथ से जुमले से बताता हूँ जो आजकल बहुत फेमस है। आजकल ये एक चीज चल रही है कि वो लोग जो कहते थे कि जहर खाने की भी फुर्सत नहीं है, वो आजकल घरों में मरने के डर से फुर्सत में बैठे हैं। लॉकडाउन के दौरान फुर्सत में बैठे हैं। इसका मतलब ये है कि प्रायोरिटीज शिफ्ट हुई। आप प्रायोरिटाइज कैसे अपने काम को कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए आपको कुछ चीजों को नो कहना पड़ेगा। जैसे आपका फोन पे आने वाली नोटिफिकेशन, ये आपका फोन आपको हेल्प करने के लिए, न कि आपके काम को बढ़ाने के लिए है। आपको उन सब अनावश्यक चीजों को अपने लाइफ से डिलीट करना होगा, अपने लिए क्रिएटिव टाइम निकालना पड़ेगा और अपने उन सभी कामों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। इसी सारी चीजों पे और टाइम मैनेजमेंट पे हमारी एक नई सीरीज आने वाली है, द नाउ हैबिट। प्लीज उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहें। और इस नाउ हैबिट में हमने प्रोकेस्टिनेशन और टाइम को कैसे मैनेज करें पे बहुत ही अच्छे अच्छे टेक्निक्स और टिप्स बताए। लास्ट में मैं ये बोलूँगा, अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई रखें, अनावश्यक चीज़ों को डिलीट करें और अपने लाइफ में आगे की ओर बढ़ते जाएं समय का सदुपयोग करके। बढ़ते हैं नेक्स्ट रिचुअल की ओर, जो कि है ग्रैटिट्यूड। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि अगर आप किसी को गुलाब का फूल देते हैं तो उस फूल की महक आपके साथ भी जुड़ जाती है, और उससे द्वारा फैलाई हुई खुशियां आपके संपूर्ण चारों ओर में खुशियां फैला देती है। और इसी बात को कफ रेफर किया है ग्रैटिट्यूड से। द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ विल कम डाउन टू द क्वालिटी ऑफ योर कंट्रीब्यूशन। दोस्तों, हम क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे, लेकिन क्या दे के जाएंगे वो दुनिया याद रखती है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे पास इतना कुछ होगा तब हम कुछ दे पाएंगे। दूसरों को खुशियाँ देने के लिए नॉर्मल थैंक यू ही बहुत होता है। अगर आपके पास जो चीज़ें हैं आप उसके प्रति कृतज्ञ हैं और भगवान को थैंक यू करते हैं और आसपास के लोगों की मदद करते हैं, तो अपने आप आपके अंदर पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस इनकलकेट होना शुरू हो जाती है। और इसके लिए आपको एक छोटे से लॉ की जरूरत होती है। आपको यह बात मैं समझाने की कोशिश करता हूँ इस स्टोरी से। एक बार एक लेडी बूढ़ी होने की वजह से अपने बेटे और बहू के यहाँ रहने के लिए चली जाती है। क्योंकि वो बहुत बूढ़ी है तो खाना खाते वक्त खाना गिर जाता है उससे, और बार बार उसे कभी स्पून गिरता है, कभी फोक गिरता है, कभी उसे खाने गिर जाते हैं। इससे बहू नाराज होकर के उसके लिए साइड में टेबल लगा देती है और उसकी हेल्प नहीं करता है कोई। एक दिन यही बेटे बहू अपनी बेटी को देखते हैं कि वह टेबल बना रही है, तो उनसे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो। तो वो रिप्लाई करती है, मैं आपके लिए टेबल बना रही हूँ, जब आप बूढ़े हो जाओगे तो साइड में आपके लिए थोड़ा बड़ा टेबल रहे। ये बात उनके दिल को लगती है और उन्हें अपनी गलतियों का अंदाजा होता है, और उसके बाद उस बूढ़ी लेडी को उसके अप्रोप्रिएट जगह पे बैठाते हैं और उसकी केयर करना शुरू करते हैं। कभी कभी हम उन छोटे छोटे लम्हों को, उन छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं जिसके लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए और पॉजिटिविटी देना चाहिए। इसीलिए मैं नेक्स्ट रिचुअल में बोलता हूँ, बी ग्रेटफुल व्हाट यू आर। साथ ही साथ लोगों की मदद करें, लोगों को एटलीस्ट थैंक यू करना और इस वार्मथ, हैप्पीनेस, पॉजिटिव एनर्जी को बांटना शुरू करें। वो आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लेट योर करुणा, आपके अंदर का कंपैशन, डिफीट्स कोरोना।
इस वक्त जो लोग हेल्प कर रहे हैं, जो लोग मदद कर रहे हैं, उनको जैसे आप हेल्प कर सकें हेल्प करिए। और मैं इसी वीडियो की मदद से उन सभी लोगों को थैंक कहना चाहता हूँ जो अपने डिटर्मिनेशन और विल पावर के साथ सद्भावना रखते हुए कोरोना के साथ लड़ रहे। इसी के साथ मैं आज की वीडियो ख़त्म करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और आखिरी वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।